नमस्कार दोस्तों, आज धनतेरस का दिन है। महालक्ष्मी की पूजा दिवाली में की जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ पे आपको सचमुच महालक्ष्मी मिलती है। दोस्तों, हर बिजनेस की तरह हमारी इंडस्ट्री में भी सारा जो गेम है ना, वो एटीट्यूड का है। जिसका जैसा एटीट्यूड होगा, वैसे ही उसको सफलता मिलती है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो अगर हमें कुछ काम करना है अपने ऊपर, तो अपने एटीट्यूड को चेक करते रहना चाहिए कि रियली जो सक्सेस के लिए जो एटीट्यूड लगता है, जो एटीट्यूड विनर्स का है इस इंडस्ट्री में, वो हमारा एटीट्यूड है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको बिल्ड किया जा सकता है। आप जानते हैं कि दृष्टि का इलाज हो सकता है, लेकिन दृष्टिकोण का इलाज बड़ा मुश्किल होता है, और मुश्किल काम करने से ही बड़ी सफलता मिलती है। तो अपने दृष्टिकोण को सही करना है, अपने एटीट्यूड पे काम करना है। वैसे तो एन नंबर्स ऑफ एटीट्यूड्स धीरे धीरे हमें डेवलप करने पड़ते हैं, बट मैं आज बेसिक पांच एटीट्यूड की बात आपसे करने वाला हूँ इस वीडियो में। वो बेसिक पांच एटीट्यूड हैं। सबसे पहला जो एटीट्यूड आपको चाहिए इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए, वो है लर्निंग एटीट्यूड। सेकंड जो एटीट्यूड आपको चाहिए, वो है प्रैक्टिस करने का एटीट्यूड, जो आपने सीखा। अगर रोज़ आप नई चीज़ सीख रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो फिर वो लर्निंग आपकी कहीं ना कहीं भूल जाती है, और फिर वो आपके ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट आप नहीं कर पाते। तो सेकंड जो एटीट्यूड है, वो है इम्प्लीमेंट करने का एटीट्यूड। आज सोशल मीडिया के ज़माने में, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के ज़माने में, नॉलेज की कमी कहीं नहीं है दोस्तों। तो सफल और असफल लोगों में फ़र्क क्या है कि वो कितना इम्प्लीमेंट करते हैं। आप जितना सीखते हैं उसको अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो फिर वो नॉलेज किसी यूज़ का नहीं है। थर्ड एटीट्यूड आपका रहना चाहिए कि आपने जो सीखा, जो लर्न किया, उसको इम्प्लीमेंट इतनी बार करें कि धीरे धीरे उसमें आपकी मास्टरी हो जाए। तो थर्ड क्या है? मास्टर। जो आपने सीखा उसको इम्प्लीमेंट किया, अब उसकी मास्टरी करनी है। और लंबे समय तक किसी नए नॉलेज को आप जब इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, तो वो स्किल्स में आपके कन्वर्ट हो जाता है। और फिर जैसे आप बिना देखे गाड़ी चला लेते हैं, बिना देखे आप साइकिल चलाते रहते हैं, आपका दिमाग कहीं और होता है और आप साइकिल चलाते रहते हैं, तो वो नॉलेज आपकी बॉडी में आ जाता है एक्चुअली, और फिर बॉडी ड्राइव करती है आपको, कुछ अपना ब्रेन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसको मास्टरी करना है, और जब वो मास्टरी हो जाती है, तब आपको लोगों को टीच करना है अपनी टीम में। जो टीचेबल लोग हैं, जो कोचेबल हैं, बहुत सारे नहीं होते, कई ऐसे भी लोग आएंगे आपके टीम में जो अपने आप को, उनको एक बीमारी होती है जिसको मैं बोलता हूँ MBA। एक तो होता है MBA मतलब मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन मैं जो MBA की बात कर रहा हूँ, वो होता है मुझे बहुत आता है, वो कुछ भी नहीं सीखना चाहते। तो कहा भी जाता है कि हमारी इंडस्ट्री में हमें काम उन्हीं के साथ करना चाहिए जिनके अंदर तीन एटीट्यूड हो। पहला, वो विलिंग होनी चाहिए। सेकंड, वो हंगरी होनी चाहिए। और थर्ड, वो कोचेबल होनी चाहिए। तो कोचेबल नहीं है तो आप उनको टीच भी नहीं कर सकते। तो फोर्थ जो हमारा एटीट्यूड है, वो टीच करने का एटीट्यूड, एक टीचर का एटीट्यूड भी आपका होना चाहिए कि आप लोगों को ट्रेन कर सकें, टीच कर सकें। एंड देन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पाँचवा, जहाँ से डुप्लीकेशन स्टार्ट होता है, वो है टीच टू टीच। मतलब उनको भी ये सिखाएं, जिनको आपने टीच किया उनको टीच टू टीच उनको ये सिखाना है कि अब आगे आप कैसे लोगों को टीच करेंगे। तो ये साइकिल अगर आपकी चलती रही लाइफ टाइम, तो जीवन में क्षेत्र कोई भी हो, मैं तो ये कहता हूँ, वैसे हमारी इंडस्ट्री में, खासकर नेटवर्क इंडस्ट्री में, ये स्किल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।
आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हैप्पी दिवाली।